आर वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच कोरोना की वजह से नोबेल पुरस्कार समारोह 64 साल में पहली बार रद्द किया गया है। ये समारोह नोबेल वीक के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित होता है। हालांकि 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन इस बार समारोह का आयोजन नहीं होगा। यह समारोह 10 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया कोरोना की इस महामारी से जूझ रही है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात अभी तक नियंत्रण में नहीं हैं। हालांकि उम्मीद है कि जल्द हालात सुधरेंगे। कोरोना की रोजाना प्रेस ब्रीफिंग की दोबारा शुरुआत करते हुए ट्रंप ने सभी अमेरिकियों से फेस मास्क पहनने की अपील की और कहा कि इसका असर होगा। राष्ट्रपति ने प्रेस से बातचीत के दौरान हालांकि खुद फेस मास्क नहीं पहना था और इसके पहले तो वो इस तरह के एहतियाती कदम का मजाक उड़ाकर आलोचनाओं के शिकार भी हुए हैं। राष्ट्रपति के सलाहकारों ने उनसे इस मामले में नया रुख अपनाने को कहा है, क्योंकि पूरे अमेरिका में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के कहर को देखते हुए पहली बार नोबेल पुरस्कार समारोह रद्द किया गया है। नोबेल फाउंडेशन के मुताबिक कोरोना के इस दौर में नोबेल पुरस्कार और समारोह नए तरीके से किए जाएंगे। फाउंडेशन ने कहा कि ये खास तरह के हालात हैं और सबको इसके मुताबिक ढलने की जरूरत है। इससे पहले आखिरी बार 1956 में नोबेल पुरस्कार समारोह को उस वक्त आयोजित नहीं किया गया था जब तत्कालीन सोवियत संघ ने हंगरी पर हमला किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।